भाई ये पता नहीं क्या है, इसका नाम है कोराइडोमोन। ओ भाई इसके सीने पे अजीब सा ब्लेड लगा हुआ है और इसकी पूंछ देखो भाई। मैं इसको पावरफुल बनाने वाला हूँ भाई। चारिज़ार्ड और गॉड बीरस से कितना खतरनाक पैल मिला हमको। बट मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, इसके अंदर से जो पैल निकलने वाला है ना, बहुत खतरनाक पैल निकलने वाला है। और गाइस मेरे पास है ब्लास्मट रियो और ये है मेल और सामने चारिज़ार्ड है अपना फीमेल। अरे इजी है ये, इजी है ये वाला, इजी है। सो अब बारी अपने बैलन और लिब्रो और चारिज़ार्ड भाई, इनसे कुछ उम्मीद है क्योंकि भाई बैलन और लिब्रो बहुत खतरनाक पैल है। तो हे बेकार बिटिस, वेलकम बैक दोबारा अनदर एपिसोड ऑफ पैल वर्ल्ड। मैं हूँ अपने ब्रीडिंग फार्म पे क्योंकि आज हम ब्रीड करने वाले हैं अपने सुपर गॉड बीरस को। हमारे फैमिली में आए नए मेंबर जिसका नाम है चारिज़ार्ड, जो कि एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है जो कि बहुत सारा आग उगलता है और जिसके पास डार्क पावर्स है। हम इन दोनों की ब्रीडिंग करवा के निकालने वाले हैं एक बहुत ही लेजेंडरी सा कोई सा ऑसम सा पैल, और साथ में हम अपने गॉड बीरस की ब्रीडिंग और भी पैल से करवाएंगे और अपने चारिज़ार्ड की ब्रीडिंग और पैल से भी करवाएंगे। तो प्लीज मुझे कमेंट में अपना कॉम्बिनेशन बता दो, मैं तुम्हारा कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा और साथ में तुम्हें शाउट आउट भेज दूंगा। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्रीडिंग प्रोसेस। सो सबसे पहले मेरे पास है फ्रॉस्ट जेट्रागन। मेरे पास ऑलरेडी और भी जेट्रागन्स होंगे तो मैं सोच रहा हूँ अपने फ्रॉस्ट जेट्रागन को ना ब्रीडिंग बाद में करूंगा, क्योंकि मेरे पास फ्रॉस्ट जेट्रागन को उड़ने के लिए मुझे चाहिए भाई, कोई ना कोई तो चाहिए ही ना। सबसे पहले मैं अपने गॉड बीरस को यहाँ पे रखता हूँ और ये है मेल, ठीक है, और इसकी ब्रीडिंग हम करवाते हैं किसी अच्छे से फीमेल के साथ, बैलन और लिब्रो के साथ। रुक जाओ, बैलन और लिब्रो के साथ हम इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं और फिर देखते हैं हमारा बैलनोर और गॉड बीरस भाई ये कौन सा अंडा देते हैं। मुझे बस ये दे, क्या कर रहा है ये पता नहीं किसको इशारा दे रहा था भाई। हेलो, अपने बंदे बंदे बुला रहे। अबे कहाँ गया? अबे ग्लिच देखो गाइस, ये देखो वो वहीं पे अटक गया भाई, पता नहीं ये क्या है, अलग नशे में रहता है ये गेम भी। आजा चलो, दोनों की ब्रीडिंग शुरू हो चुकी है। केक इसमें नहीं है, मैं केक यहाँ से डाल देता हूँ जब तक इसके अंदर। ओके सो मेरे को इनकी ज्यादा ब्रीडिंग नहीं करवानी, बस पांच केक चाहिए मुझे, 1, 2, 3, 4, 5। ओके बस पांच केक मोर देन इनफ है। और अभी एक काम करता हूँ, अभी रहने दो, लास्ट में केक डालूंगा मैं। नहीं छोड़ो यार, करने दो। वैसे एक अंडा इनका आ भी गया, वो भी भाई डार्क टाइप कोई अंडा है, मुझे नहीं पता कौन सा पैल निकलेगा। और अभी हमारे पास है हमारा एक चारिज़ार्ड। सो हम अपने चारिज़ार्ड को लेते हैं भाई। चारिज़ार्ड इधर 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 बच्चे इधर, इसको सामने वाले पे रखते हैं और इसकी ब्रीडिंग ना हम किसी तगड़े पैल से करवाते हैं, जैसे कि मान के चलो अपना हो गया, कौन से करवाएं मतलब। सो मैं इसकी ब्रीडिंग करवाता हूँ मिनास्टिंग टेरा से भाई। मिनास्टिंग टेरा और चारिज़ार्ड, इन दोनों की ब्रीडिंग भाई अलग ही लेवल की होगी। मेरे को देखना है भाई इनसे कौन सा निकलता है। और मेरे को ना वापस उस जगह पे जाना है जहाँ से हम पिछली बार ना चारिज़ार्ड को पकड़ के लाए थे, और फिर ना हमें और चारिज़ार्ड लाना है ताकि ना हम चारिज़ार्ड की ब्रीडिंग चारिज़ार्ड से करवा सकें और फिर हमको बहुत सारे चारिज़ार्ड मिल जाए ताकि ना ये अपना पूरा बेस कंप्लीट हो जाए। तो मैं सबसे पहले तो उस जगह पे जाता हूँ, हमको यहाँ इस जगह मिला था, ठीक है गाइस यहाँ पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं और हमारा एक और चारिज़ार्ड वहाँ पे आ रखा है। अब ये पता नहीं उसकी तरह अगर यार, लेकिन नहीं मैंने तो बीरस को अपने छोड़ रखा है। वेट रुक जाओ, मुझे बैलनोर से लड़ना पड़ेगा। ये पता नहीं कितने लेवल का, ओ 47 लेवल का। इजी है गाइस ये, बहुत इजी है। अगर मैंने बैलनोर को भेजा ना तो ये उसको मार देगी तुरंत। मेरे पास अल्टीमेट स्फीयर है, मैं ट्राई करूंगा इसको पकड़ने का। नहीं भाई नहीं, रुक जाओ, मुझे थोड़ी सी इसकी हेल्थ वो कम करने दो। अरे इजी है ये, इजी है ये वाला, इजी है। एक सेकंड, इसका अटैक फॉर्म अलग है। ओके ठीक है, बट उतना भी हार्ड नहीं है बेटे, उतना हार्ड नहीं है। ये आग उगल रहा है, मतलब वो क्या कहते हैं, ड्रैगोनिक ब्रेथ है शायद, आई थिंक ऐसी कुछ नाम है। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ बेटे, तू तो जाएगा यार, तू इजी है बच्ची। मैं अल्टीमेट क्यों यूज करूँ जब मेरे को इतना इसको धक्का देना है, मारना ही है। एक सेकेंड रुक जाओ, ट्राई करूँ क्या? ओ नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। एक मिनट, मुझे जीनो गार्ड को भेजना पड़ेगा। जीनो गार्ड एक अटैक दे दे बस, प्यारा सा अटैक दे दे ब्रो, इधर दे दे बस, थोड़ा सा अटैक दे दे बस, पिद्दा सा मुन्ना सा चूजा सा। वापस आ वापस आ वापस आ, नहीं 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 मारना नहीं है ब्रो, आजा प्लीज आजा प्लीज आजा प्लीज। थोड़ा सा मैं डैमेज दे दूंगा, रिंग ऑफ मर्सी मैंने पहन रखा है वैसे भी। ओके नहीं, शील्ड मेरी कवर नहीं हुई पूरी तरह से। ओके चल भाई आजा, आप तो तू आके रहेगा, नहीं आएगा इस बार लेजेंडरी फेंक दूंगा अगर ही नहीं आया तो। भाई पिछली बार के देखो गाइस आ गया, ये सामान अब तक पड़े हुए प्रेसियस जो भी कुछ कहते हो, हाई क्वालिटी पैल आया क्या भाई? तू किससे आएगा जब लेजेंडरी से नहीं आ रहा तो? मुझे बस तेरे को भाई, लेकिन ये भी तो प्रॉब्लम है यार, ये फीमेल नहीं, ये फीमेल होगी जहां तक, क्योंकि पोकेमोन वाले ज्यादातर फीमेल देते हैं ना, तो ये फीमेल होगा। पिछली बार वाला पता नहीं कैसे इन लोगों ने गलती से मेल दे दिया। हेलो भाई, अल्टीमेट मुझे यूज नहीं करना, तो सिर्फ 47 लेवल का है ब्रो, मत कर ऐसा। ओके गाइस, इसी के साथ हमारे पास एक और चारिज़ार्ड आ चुका है और हम 73 लेवल के हो चुके हैं। चलो भाई चलते हैं और इसको जल्दी से हम ब्रीडिंग पे लगाएंगे, क्योंकि हमारे चारिज़ार्ड ना फ्री तो हो ही चुका होगा अब तक। ओके सो गाइस, हमारे चारिज़ार्ड और मिनास्टिंग टेरा
सारा ने अंडे नहीं दिए, व्हाट? ओके मैंने केक नहीं डाला, शिट यार मैंने ये गलती कैसे कर दिया। चलो 5 केक इधर इनको दे देता हूँ पहले। ये यार एक ऐसा केक इन लोगों ने अंडा दिया, मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले ना अपने अपने ना इसको रख देता हूँ, मैं क्या कहते हैं जो भी नाम हो चारिज़ार्ड को, पहले इसकी ब्रीडिंग कंप्लीट करवा देता हूँ मैं, ताकि मेरे पास बहुत सारे चारिज़ार्ड हो जाए। और वैसे ही मुझे नीड है चारिज़ार्ड की, और मेरे को जो पता नहीं चारिज़ार्ड अभी मिला है वो कैसा चारिज़ार्ड है। तो मैं यहाँ पे ना 10 केक रख देता हूँ, 10 चारिज़ार्ड मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से, तो 10 चारिज़ार्ड ठीक है। हमको और चारिज़ार्ड चाहिए होंगे बट कोई बात नहीं। ओके सो गाइज ये एक मिनट ये आते ही सो रहे हैं। अरे ब्रो ऐसा मत कर यार, छी यार बक, मुझे इसको वापस, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे ऐसे करना पड़ेगा इसको। ओके उठा लिया मैंने चारिज़ार्ड को, ठीक है। और अब इसकी ब्रीडिंग हम करवाएंगे ना, तुम्हारे पास बहुत सारे जाएंगे। और ये पता नहीं कौन सा मेरा है, मेरे को मेरे देखने दो। वाओ ये लेजेंड और इन्फिनाइट स्टैमिना और ये डिवाइन ड्रैगन फ्लेम्स, ओ भाई दोनों के दोनों अच्छे स्किल्स वाले मिले। वैसे भी हाँ ये रेयर पोकेमॉन है तो अच्छे स्किल्स के मिलेंगे ना। तो गाइस अब हमारे पास ना लेजेंड वाला भी जेट्रागन हो गया है। अरे यार मैं जेट्रागन क्यों बोलता हूँ, लेजेंड वाला भी हमारे पास चारिज़ार्ड हो गया है, और हमारे पास क्या कहते हैं ये डिवाइन ड्रैगन भी हो चुका है। तो अब जो इनकी ब्रीडिंग से हमको मिलेगा ना अंडा, वो देखो सामने एक आ गया, कहाँ गया, एक एग आ गया हमको, ठीक है लार्ज ड्रैगन एग है। सो इससे भी आई होप वो मिले जाए हमको, चारिज़ार्ड मिल जाए लार्ज ड्रैगन है। ओके ठीक है। ओके सो हमको इससे भी एक और चारिज़ार्ड मिल गया। अभी ना हम एक काम करते हैं, वेट करते हैं जब तक ना ये अंडे और दे रहे हैं ना, तब तक हम वेट करते हैं। उसके बाद ना मैं आपसे यहाँ पे जब इनकी ब्रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तो सारे जब ये जितने भी हमारे पास फार्म्स है ना, इन सबको मैं फील करके आपसे मिलता हूँ। ओके गाइज गुड मॉर्निंग गाइज। सो नेक्स्ट डे हो चुका है हमारा, और सारे के सारे हमारे चारिज़ार्ड्स आ चुके हैं, यानी कि मतलब जितने भी थे वो ब्रीडिंग करने के बाद। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना है कि इनमें से एक चारिज़ार्ड को मुझे अलग करना होगा, जैसे कि इसे कोई सा भी हो जाओ, बस मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस चलो तुम इधर आ जाओ बच्चे, और ये तुम पड़ोस में आ जाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे आओ, और ये मिनेस्टिंग टेरा था यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मिनेस्टिंग टेरा रखना है। ओके सो हमारे पास है आ चुकी है बेलनोर लिब्रो। सो मैं बेलनोर लिब्रो को फिलहाल के लिए ना काम करता हूँ। ये कौन सा है, ये भी फीमेल है। ओके सो मेरे को एक काम करना है, यहाँ पे रख देना सबसे पहले तो अपनी बेलनोर लिब्रो को, और किसी एक मेल, ये रहा चारिज़ार्ड मेल चारिज़ार्ड, ये रहा एक मेल चारिज़ार्ड हमको मिल चुका है, तो इसको हम रख देते हैं अपनी बेलनोर लिब्रो के पास। भाई बहुत मेहनत वाली काम होती है, और तुम लोग यार वीडियोस लाइक भी नहीं करते हो, अरे दिख भी नहीं रही है, शायद यही तो आई थिंक, हाँ यही है मे बी। और इसके पास ठीक है, इनकी ब्रीडिंग हमारी दोबारा शुरू हो चुकी है। ओ इसको आलस आ रहा है भाई, तेरी भैंस की तेरे को आलस आ रहा है, इधर इधर तू है कौन सा मुझे नहीं पता, रुक जा मेरे को, तेरे को ना यहाँ फेंकता हूँ, सामने वाले पे डालता हूँ मैं, मेरे पास अब जगह ही नहीं बची है। वाओ एक्चुअली मैं जगह बच सकती है, बताऊँ कैसे, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ इसको डाल दूँ, तो यहाँ डाल दूँ तो कौन छुटकारा पा लेगा, आई थिंक अपना बीरस छुटकारा पा जाएगा शायद। हाँ तो मुझे आई थिंक ना अपने बेलनोर इस वाले लिब्रो को अंदर करना होगा, और अपने बीरस को वहां रखना होगा। तो रुक जाओ मुझे ना बीरस और इसका करवाना ना ब्रीडिंग, सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ अपनी बेलनोर को ना अंदर करता हूँ, इन सब की ब्रीडिंग हो रही है ना, मैं अपने बीरस को सबसे पहले अपने पास रखता हूँ वापस, मेरा बीरस वापस आ गया। तो गाइस मैं ना अपना जेट्रागन को रखने जा रहा हूँ भाई, और मुझे ये देखना है कि जेट्रागन और चारिज़ार्ड से कौन सा पैल निकलने वाला है भाई, सच में मुझे ये देखना है। एक मिनट तुम जाओ इधर, और अब अपना ना बेलनोर फ्री हो जाएगी शायद, जहां तक है मेरे ख्याल से। एक सेकेंड ब्रीडिंग क्यों, अच्छा यार दोनों के दोनों मेल, अच्छा मेरे पास जो है चैट्रागन वो मेल है। ओके सो मुझे ना किसी फीमेल चारिज़ार्ड के पास अपने उसको रखना होगा, ये भी मेल है, इसको चलो हम रखते हैं वो सामने वाली फीमेल वाले पे, फीमेल चारिज़ार्ड पे इसको रख देते हैं। भाई इनसे कौन सा निकलेगा भाई, मुझे नहीं आइडिया, कोई तगड़ा पैल निकलना चाहिए भाई, अपने पास जेट्रागन है, वो भी फ्रॉस जेट्रागन, एक्चुअली कोई ऐरा गहरा जेट्रागन नहीं, फ्रॉस जेट्रागन, ठीक है। मुझे क्रॉस जीरो के साथ चेक करना है एक बार कि क्रॉस जीरो जो आएगा अपना, ये मोटू मेंढक, ये कौन सा ब्रीड देगा, मतलब कौन सा पैल देगा अपने चार, ये फीमेल था ना, ठीक है आई होप हो जाए। ओके ठीक है, इनका भी स्टार्ट हो चुका है, और अभी नॉकलैम बाकी है भाई, नॉकलैम इतना तगड़ा पैल कैसे भूल गया मैं। ओके अपना नॉकलैम यहाँ पे आ चुका है, और इसको हमें ना फीमेल पे रखना होगा, क्योंकि एक्चुअली में ये मेल है, और ये आई थिंक सामने वाला खाली है, हाँ ये फीमेल है, ओके ओके फीमेल ही चाहिए थे मेरे को एक्चुअली, और अपना था ये नॉकलैम मेल, ठीक है। तो इनकी ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग हो गई, और इधर ये खाली है शायद, आई थिंक अपना ये, हाँ ये चारिज़ार्ड अपना खाली है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमने ब्रीडिंग करवाई थी, किसकी करवाई थी हमने। ओके सो गाइस मुझे याद आ गया, यहाँ पे ना मैंने गॉड बीरस और बेलनोर का ब्रीडिंग करवाया था, ठीक है भाई, बस कंफ्यूजन होता है यार। ये चलो मेल है, तो मेरे को अब दूसरे भी और पैल्स चाहिए। गाइस मेरे पास ना एक भूशी है, मैं भूशी को देखता हूँ कि वो कौन सा पैल देगा। उससे पहले गाइस मैं देखना चाहता हूँ बेलनोर के साथ अपना चारिज़ार्ड कौन सा पैल दे सकता है ना, क्योंकि बेलनोर लिब्रो से हमने ब्रीडिंग करवाया बट बेलनोर से नहीं करवाया, तो इनकी ब्रीडिंग शुरू हो चुकी है ना। मैं सबसे पहले तो ये अंडे उठा लेता हूँ यार, ये अंडे मुझे याद रखना है कि ये बेलनोर लिब्रो
ब्रो और अपने गॉड बीरस के अंडे हैं, ठीक है, तो इनको हमको ध्यान में रखना होगा कि ये कौन से हैं। अरे अपना फ्रॉस्ट जेट ड्रैगन और चारिज़ार्ड ने देखो अंडे कैसे दिए हैं। अबे यार यहाँ केक था क्या? ओके ये मेरा पहले का ही केक बचा हुआ है। नहीं 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 तू वापस आ जा, ये लोग तो पूरा वेस्ट कर देंगे भाई, इनके पास ऑलरेडी बचा हुआ था, तो मैं यहाँ पे जब तक केक ना रख देता हूँ। नहीं अभी नहीं, एक साथ रहूंगा, एक अपना पहलना, अपना एक चारिज़ार्ड अकेला तन्हा कहीं तो है। ये रहा और ये है मेल, ओ सॉरी फीमेल, तो मुझे अब एक मेल कोई तगड़ा सा पैल चाहिए। गाइस मेरे पास है ब्लास्मट रियो और ये है मेल और सामने चारिज़ार्ड है अपना फीमेल, और सोच के देखो कि इनसे कौन सा ब्रीड निकलेगा भाई। दोनों के दोनों अपने लेवल पे बहुत खतरनाक पैल्स हैं और मुझे सच में नहीं पता इनसे कौन सा अंडा निकलेगा। और पता है मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड किसके लिए हूं? गॉड बीरस और अपने चारिज़ार्ड के लिए। मुझे देखना है इनसे कौन सी ब्रीड निकलती है। ओके सो गाइस अब टाइम है सबके पास अंडे रखने का। सबके पास मैं 5-5 अंडे रखूंगा, ज्यादा अंडे नहीं रखने वाला। ओके गाइस सबके पास मैंने अंडे रख दिए थे, मैंने वेट किया, सबकी ब्रीडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले मेरे पास जो ऑलरेडी अंडे रखे हुए हैं यानी कि जो अपनी बैलन और लिब्रो और साथ में अपने गॉड पीरस के जो अंडे थे, सबसे पहले हम उनको हैच कर लेते हैं। सो ओके सो हम करने वाले इनको हैच। उससे पहले गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज कमेंट करके अपना कॉम्बिनेशन प्लीज मुझे बता दो, और मेरी रिसेंट वीडियोस भी चेक करो कि मैंने कैसे गॉड पीरस को पकड़ा या फिर कैसे चारिज़ार्ड को पकड़ा प्लीज। और भी ऑसम कॉन्टेंट आने वाले जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला। सो ठीक है 3-2-1 ओके क्या निकला? रिलैक्सोसॉरस लेकिन मसल हेड है, वो भी लेजेंड। ओके नाइस यार, अच्छा है रिलैक्सोसॉरस भी अपना अच्छा पहल है। ओके लेकिन अब बहुत बेकार निकला। ठीक है तो यानी कि हमारा बैलन और लिब्रो और गॉड बीरस से कुछ खास पहल नहीं निकलता, ठीक ठाक पहल निकल जा रहा है। मतलब रिलैक्सोसॉरस इतना बुरा भी नहीं है, मगर बस ठीक है चलो काम चल जाएगा इससे अपना, इतना आपको पता लग चुका है। ठीक है ओके सो अब टाइम है बूशी और अपने चारिज़ार्ड के अंडे को हैच करने का। तो इसमें हमको नॉर्मल लार्ज डैम पैक मिला है और एक यूज मिला। सबसे पहले मैं यूज को खोलता हूँ। 3-2-1 अजूरो मिला। ओके कुछ खास पहल नहीं मिला चारिज़ार्ड और अपने बूशी से, ठीक है समझ में आता है। लेकिन अपना बूशी यार फायर टाइप है और अपना चारिज़ार्ड फायर टाइप है, बट वाटर टाइप कैसे निकल रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये मतलब कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को यहाँ पे, पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं अपने को क्या, हमको तो बस अंडे हैच करने हैं, बस देखना है। ठीक है सो अब बारी अपने बैलन और लिब्रो और चारिज़ार्ड, भाई इनसे कुछ उम्मीद है क्योंकि भाई बैलन और लिब्रो बहुत खतरनाक पहल है। ओके यहाँ पे मैंने हैच वाला नहीं बनाया था, चलो कोई नहीं यहाँ पे चेक कर लेते हैं चारिज़ार्ड और बैलन और लिब्रो से कौन से अंडे निकल। उसमें ये देखना है हेल्स फायर निकला। ओके मुझे हेल्स फायर मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं अब हेल्स फायर को बिना अपने पास रखने वाला हूं जो सबसे पावरफुल मेरे को मिले। जैसे देखो इनके पास ना फ्रोशियस मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी के पास कुछ तगड़ा पावर जरूर होगा, तो मैं उसी को कैप्चर करूंगा अपने पास, मतलब रखूंगा और फिर उसको अपना 100 लेवल वगैरह जो भी करना हो करूंगा और उससे फाइट लूंगा। हेल्स फायर भी अच्छा पोकेमॉन लग रहा है। सो ठीक है हमको हेल्स फायर मिलता है बैलन और लिब्रो और चारिज़ार्ड से। अब बारी है चारिज़ार्ड और नॉकलैम की ब्रीडिंग से निकले हुए अंडों को हैच करने का। ओके सो इनसे हमको यूज ड्रैगन एग मिला है और आई होप कुछ तगड़ा मिल जाए पैल, प्लीज 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 ब्रो। जॉर्मोंटाइड ओके वो भी लेजेंड है। ओके नाइस यार ये बहुत अच्छी बात है। जॉर्मोंटाइड एक और निकला। ओके यार जॉर्मोंटाइड हमारे पास कोई तगड़ा नहीं है जिसके पास सारी स्किल्स हो। एक था हमारे पास डीप स्पेस जॉर्मोंटाइड जो कि यार बेचारा मारा गया, मतलब मेरी गलती से ही मारा गया, मैं क्या ही कर सकता हूं, बट कोई बात नहीं चलो छोड़ो। ये आखिरी अंडा बचा हुआ है जॉर्मोंटाइड का जो कि ये भी हमने कर लिया। सो थैंक यू चारिज़ार्ड एंड नॉकलैम मुझको जॉर्मोंटाइड इतना अच्छा देने के लिए। अब बारी है अपने मिनास्टिंग टेरा और चारिज़ार्ड की। चलो ठीक है भाई तुम लोगों ने कौन से अंडे दिए? भाई इन लोगों ने दिया यूज वर्डेंट एग। ठीक है सो अब इनको करते हैं 3-2-1 मेमरिस्ट निकला। मुझे लग ही रहा था जब यूज आया ना, जब मैं समझ गया मेमरिस्ट ही निकले यार, कुछ अच्छा सा दे दो मेमरिस्ट, कोई तगड़ा मेमरिस्ट दे दो यार। और गाइज मेमरिस्ट से मुझे याद है पिछली बार गाइज मैंने अपने वर्ल्ड में किया था टाइम ट्रैवल, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को चेकआउट करो, बहुत ऑसम था। हमने बहुत तगड़े तगड़े पैल्स को उसमें पकड़ा था जो कि इस वर्ल्ड के है भी नहीं, मतलब पुराने टाइम के यानी कि पुराने जमाने में जो पैल्स होते थे ना वो थे। तो ठीक है हमको मेमरिस्ट मिलता है मिनास्टिंग टेरा और चारिज़ार्ड से। तो ठीक है अब बारी है अपनी नॉर्मल बैलेनोर और चारिज़ार्ड के ब्रीड से निकले हुए अंडों को हैच करने का। तो ठीक है देखते हैं, 5 अंडे हमने उठा लिए, आई थिंक 5 उठाए, ठीक है। सो 3-2-1 यूज डार्क एग से हमको निकलता है हेल्स फायर। इनसे भी हो यानी कि चाहे बैलनोर लिब्रो हो चाहे नॉर्मल बैलनोर हो, उन दोनों को ब्रीडिंग अगर हम करवाते हैं ना चारिज़ार्ड से तो हमको नॉर्मल पैल ही मिलता है। भाई इसके पास बहुत अच्छे अच्छे भाई इस पे सारे स्किल्स कितने औसम मिल गए, मैं इसी को मतलब
100 लेवल करने वाला हूँ भाई। ठीक है, तो हमको हेल्स फायर बेलनोर से भी और चारिजार्ड से इनसे भी सेम मिलता है। नहीं, इनको तो मैं लास्ट में करने वाला हूँ भाई, ब्लास्मट रियो और चारिजार्ड। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, इनको बाद में करेंगे। यहाँ पे अपना मोटू मेंढक, प्यारा सा क्यूट पैल, और साथ में अपना चारिजार्ड, इनसे देखते हैं भाई कौन सा पैल निकलेगा। हेलो, इधर आ जा। 3, 2, 1, ह्यूज रॉकी आ गया। ओके, सो इनसे हमको अनूबिस मिल रहा है, लेकिन एक सेकंड, ये अनूबिस थोड़ा अपने बीरस की तरह दिख रहा है, पता नहीं क्यों, या तो शायद ये चारिजार्ड के वजह से मे भी है, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा बीरस है ना वो अनूबिस का इवॉल्व वर्जन है। तो आई थिंक हमको नॉर्मल वाले अनूबिस ये दे रहे हैं, आई थिंक, हाँ ऐसा ही हो सकता है ये, क्योंकि बीरस नहीं है, बीरस के पास भाई पावर्स हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारे पास आ गए, बस बढ़िया है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं लुकारियों को भी पकड़ूं, यानी कि लुकारियों को पकड़ूं या फिर इवॉल्व करके अपने बीरस को या फिर अपने अनूबिस को इवॉल्व करके मैं लुकारियों बनाऊं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे प्लीज बताओ। तो ठीक है गाइस, हमको एक अपग्रेडेड वर्जन का अनूबिस मिलता है चारिजार्ड और मोटू मेंढक से, ये भी अच्छा था, ठीक था। और अब भाई बारी है अपने फ्रॉस्ट जाट्रागोन, जो हमारा अब तक का मतलब चारिजार्ड और बीरस से मिलने से पहले का बहुत पावरफुल पैल था, उसकी ब्रीडिंग चारिजार्ड के साथ हमने कराई, और इनसे देखते कौन सा अंडा मिलता है। भाई रुक जाओ, मैं ना ज्यादा नहीं उठाऊंगा, 2-3 उठाऊंगा बस, बाकी सबको बाद में उठाऊंगा, कि यहाँ पे ना केक मेरा ऑलरेडी रखा हुआ था पहले से, तो इसीलिए ना इसने पूरी ब्रीडिंग कर दी। ठीक है चलो चेक करते, सबसे पहले यूज नहीं, नॉर्मल करते हैं, लार्ज वाले इलेक्ट्रिक एग। सो ठीक है गाइस, तैयार हो, 3, 2, 1। ओके, सो इससे बीकन निकला, यार ये तो मोए हो गया बीकन भाई, कैसे, किस हिसाब से, यार मुझे बड़ी उम्मीद थी इससे शायद कुछ तगड़ा पैल निकलेगा, बीकन दे रहे हो सच में। चलो भाई यूज वाले में भी बीकन ही निकलेगा, बट प्लीज पे चारों स्किल्स हो, ऐसा कर दो एटलीस्ट। नहीं यार, स्किल्स अच्छे नहीं थे, तुम लोग छिछी हो दोनों, बहुत बेकार हैचिंग किया तुम लोगों ने। तो गाइस सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ ना, इन सबको मैं अंदर रख लेता हूँ, क्योंकि अभी ना बस दो ब्रीडिंग बची हुई है, एक मेरी ना चारिजार्ड प्लस बीरस की और दूसरा चारिजार्ड प्लस जीनोगार्ड की, तो मैं सबको ना अंदर कर लेता हूँ। और अब बारी है गाइस ब्लास्मट रियो और अपने चारिजार्ड के अंडों को हैच करने का, लेकिन उससे पहले ना सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, ये सारे अंडों का हैच कर लेता हूँ जितने मेरे पास है ना इलेक्ट्रिक वाले, जो कि अपने क्या कहते हैं फ्रॉस्ट जेट्रागोन और अपने चारिजार्ड से मिला था, जो कि बहुत ही बेकार कॉम्बिनेशन है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों निकला, बट कोई नहीं, चलो छोड़ो, बीकन भी ठीक है यार, कभी देख लेंगे, बीकन से भी लड़ लेंगे कभी मन किया फ्यूचर में। तो भाई इससे पहले जो मुझे बीकन मिला ना, उसके पास सारे स्किल्स थे, वाव यार चारों अच्छे स्किल्स, देखो अपने पास एक परफेक्ट बीकन रेडी है। हाँ कुछ तो फायदा हुआ, देखो ये भी देखो, लेजेंड आइस इंप्रेस डिवाइन ड्रैगन फ्लोशियस, भाई कितना ऑसम निकला है। ओके सो ये तो हो चुका है गाइस, मुझे ना एक चीज चेक करना था कि ये ना चारिजार्ड प्लस ब्लास्मट रियो का अंडा है, तो मुझे देखना है कि ये अपना ना इस बार गॉड बीरस और अपने ब्लास्मट रियो कौन सा अंडा देंगे, लेकिन वो गाइस वो चीज तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूंगा, लेकिन उससे पहले ना अभी हम चारिजार्ड और ब्लास्मट रियो का देखते हैं अंडा क्या निकलने वाला है। प्लीज कुछ अच्छा सा दियो, प्लीज प्लीज। हेल्स फायर, यार ये थोड़ा मतलब अजीब सा वियर्ड सा नहीं लग रहा, मतलब मेरे को वियर्ड ही लग रहा है सच बताऊं तो, आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा क्यों है। चलो ठीक है गाइस, मैं इन सबको जल्दी से मैं हैच कर लेता हूं, मुझे ये उम्मीद थी, मुझे लगा ना ब्लास्मट रियो से कुछ तगड़ा निकलेगा यार, क्योंकि वो रियो है भाई, उसको हराने के लिए मुझे 40 बेलनोर लगी है भाई, वो भी 20 अल्ट्रा और 20 नॉर्मल बेलनोर, और इस बंदे ने मतलब इतना घटिया सा अंडा दिया, वो भी चारिजार्ड जैसे बंदे से, मतलब चारिजार्ड इतना तगड़ा पहल है अपने पास, एक्चुअली पहल नहीं उसको, मतलब पोकेमॉन बोलो तो वही ज्यादा बेटर होगा, बट चलो छोड़ो यार कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, मिल रहा है तो मिल रहा है, ठीक है। सो ठीक है, हमारा अपना ब्लास्मट रियो सो चुका है, और यहाँ पे हमारे बीरस और ये हैं, तो इनके पास ना मैं जल्दी से अंडे रख देता हूँ, और उसके बाद ना इनकी ब्रीडिंग होने के बाद जो अंडे आएंगे मैं तब मिलता हूँ आपसे। ओके दोस्तों ठीक है, सो हमारा ब्रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सबसे पहले हम जीनोगार्ड और अपने प्यारे से क्यूट से खतरनाक से चारिजार्ड के अंडे उठाएंगे, जो कि मिला है हमको शायद लार्ज स्कॉर्चिंग एग, यानी कि लावा वाले एग मिले, मतलब इसके अंदर से अपने को फायर टाइप पैल्स निकलेंगे, सो देखते इसमें से कौन सा पैल निकलता है, रैग्नाहॉक माय फेवरेट पैल। ओके रैग्नाहॉक से मैंने बहुत अपना जर्नी कंटिन्यू किया, जो लोग मेरे को शुरुआत से देख रहे हैं उनको पता है रैग्नाहॉक और फ्लैरिस ये भाई सबसे मेन मेरे फ्लाइंग पोकेमॉन्स थे, जिनके साथ में हमेशा रहता और ये बहुत पावरफुल भी बन चुके थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं इनको यूज नहीं करता, वो बात अलग है, लेकिन हाँ वक्त के साथ हमको बदलना चाहिए ना गाइस। सो ठीक है, अपना आखिरी भी अंडा हमने ये रैग्नाहॉक का कर दिया है हैच। सो ठीक है भाई, थैंक यू जीनोगार्ड और चारिजार्ड इतना प्यारा अच्छा अंडा देने के लिए, अब तुम लोग यहाँ से निकल लो, अब आप रेडी हो, गॉड बीरस जो कि लिटरली एक गॉड है, जो मल्टी डायमेंशनल गॉड है, यानी कि ये हमको हमारे यूनिवर्स से किसी और यूनिवर्स में भेजने की ताकत रखता है, और पिछली बार अगर आपने टाइम ट्रेवल वाली देखी होगी वीडियो, तो इसने हमको धकेल के पीछे, यानी कि हमारे पिछले वर्ल्ड में, यानी कि पिछले की दुनिया, यानी कि पिछला समय कह लो यार, पिछली टाइम में हमको भेजा था, तो सोचो वो गॉड और साथ में चारिजार्ड जिसका 100
लेवल था भाई जब ये हमको मिला था उसके साथ ब्रीडिंग करवाने पे। हाँ अभी जो हमको मिला वो वन लेवल का है मुझे पता है, लेकिन है तो उसी के स्पीसीज का ना, तो इनसे देखते हैं हमको कौन सा अंडा मिलेगा। एक्चुअली अंडे देख के तो मुझे लग रहा है बहुत ही नॉर्मल अंडा निकला है, बट मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ इसके अंदर से जो पैल निकलने वाला है ना बहुत खतरनाक पैल निकलने वाला है और आपने कहीं नहीं देखा होगा उसको, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। सो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं भी आपको एक सरप्राइज दूंगा जिसके लिए आप हो सके मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर दो। सो मैं यहाँ पे डालूंगा और अब आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो मैं इस अंडे को जा रहा हूँ हैच करने, लेकिन इसका रिजल्ट मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। सो बाकी के लिए आता हूँ। भाई हमें चारिज़ार्ड और गॉड बीरस से जो पैल निकला है वो गाइस बिल्कुल ही एलियन पैल है। ये देखो भाई, ये पता नहीं क्या है, इसका नाम है कोराइडोमोन। ओ भाई इसके सीने पे अजीब सा ब्लेड लगा हुआ है और इसकी पूंछ देखो भाई। एक सेकंड भाई, मुझे ये चाहिए पैल भाई, मेरा ही हो चुका है एक्चुअली। मैं इसको पावरफुल बनाने वाला हूँ भाई। चारिज़ार्ड और गॉड बीरस से कितना खतरनाक पैल मिला हमको।